मॉर्निंग एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड 2। आज हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर मेरी किताब। देखो आज हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर जिसका नाम है मेरी किताब। देखो कितनी सारी किताबें हैं। हमें भी क्वेश्चन होता है कि इतनी सारी किताबें क्यों है। ये देखो लड़की खड़ी है। देखते हैं कहानी में क्या है। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ होती है वो अपनी बच्ची है वीरू, उसको बोलती है कि अपनी बहन यानी कि इस लड़की की मौसी के पास एक मैसेज पहुँचाया। अब तो क्या वीरू है वो अपनी मौसी के घर पहुँच जाती है। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले आई। मौसी भी अच्छा वेलकम करते इस वीरू का। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा बाप रे इतनी सारी किताब। फिर वो बैठती है और वो देखती है कि क्या है, तो उसको क्या देखा, देखो कितनी सारी किताब है इस मौसी के घर। और वो ऐसे शॉक हो जाती है कि इतनी सारी किताबें क्यों है। आगे देखते हैं कहानी में। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी, यानी कि जो एक कपबोर्ड था उसमें दीवार में देखो दो लाइन तक सिर्फ किताबें ही किताबें। वहाँ आंखें फाड़े देखती रही। देखो वो कैसे शॉक हो जाती है, अपनी आंखें फाड़ कर देखती है कि इतनी सारी किताबें हैं। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? फिर ये वीरू है वो अंत में साहस कर पूछ लेती है अपनी मौसी को कि आपके पास क्या बच्चों के लिए भी कोई किताबें हैं। मौसी कहती है, मौसी ने कहा, हाँ यह देखो यह वाला खाना और यह वाला। तो फिर मौसी का कहती है कि दो खाने हैं ऐसे तो बच्चों की किताब में। देखो यह देखो यानी कि एक खाना देखो और दूसरा भी देखो, वहाँ भी बच्चों के लिए ही किताबें हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें हैं नहीं। फिर है वीरू है वो बड़ी ऐसे हैरानी यानी कि ऐसे मन में सोचती है और वो मौसी को कहती है कि इतनी ढेर सारी किताबें, इतनी सारी किताबें क्यों हैं, मेरे पास तो इतनी सारी किताबें है ही नहीं। वो वीरू कहती है, मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? फिर क्या कहा इस वीरू की मौसी वीरू को कहती है कि तुम्हें कौन सी किताबें सबसे अच्छी लगती हैं पढ़ने में। तुम्हें जो चाहिए, जो भी किताबें तुम पढ़ती हो, किसी को अच्छी स्टोरी पसंद है, देखो किसी को वार्ता पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को नॉवेल्स पढ़नी अच्छी लगती है, किसी को छोटी छोटी स्टोरी है वो अच्छा लगता है, किसी को आर्टिकल पढ़ना अच्छा लगता है, ऐसा है। इसलिए मौसी कहती है कि तुम्हें कौन सी किताबें चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो मुझे बताओ, तुम्हें कौन सी किताबें सबसे अधिक पसंद है वो मैं तुम्हें दूंगी। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। अब इस लड़की को पता ही नहीं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे किताब में क्या इंटरेस्ट है, मुझे स्टोरी। फिर देखो मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। अब क्या हुआ, वीरू को तो यह मालूम नहीं है कि उसे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, उसको तो कोई किताब में इंटरेस्ट है ही नहीं। इसलिए उसने उसकी जो मौसी थी इस वीरू की उसने इस वीरू को एक किताब दे दी कि चलो तुम ये किताब पढ़ना। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे ये तो बहुत मोटी है। फिर वीरू है वो ऐसे डर गई कि इतनी लंबी लंबी है, इतनों कितने सारे पेजेस है इस किताब में, इसको कैसे पढ़ूंगी, बाप रे कितनी मोटी है, कितने सारे पेज है, मेरे से ख़त्म नहीं होगे ऐसा।
मौसी ने सुझाव दिया। अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। फिर क्या किया, मौसी ने वो बुक ले ली और दूसरी किताब दी। थोड़ी छोटी थी, दूसरी किताब थी वो थोड़ी छोटी थी, और उसने सुझाव दिया, सजेस्ट किया कि चल कोई बात नहीं, ये तुझे बड़ी लगती है ना, इसको रख दे, मैं तुझे दूसरी किताब देती हूँ, वो थोड़ी सी छोटी है। फिर वो उसने छोटी किताब दी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी बात बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। फिर वीरू को देखो ये बुक भी कुछ अच्छी नहीं लगी। उसने क्या कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे ये भी नहीं पढ़ी जाएगी, ये भी बहुत ही बड़ी है। देखो इस लड़की को जो भी किताब दो ना, वो बड़ी लगती है, लंबी लगती है, किसी के पेजेस लंबे लगते हैं। तो उसने इस दूसरी किताब का भी मना कर दिया कि ये मेरे से नहीं होगा। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। देखो ये मौसी है और ये है वीरू। ये देखो मौसी अब उसको उस ये वीरू की मौसी उसको तीसरी किताब दिखाती है कि चलो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है, दो बुक तो तुम्हें अच्छी लगी नहीं, तीसरे के बारे में बता दे। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। अब देखो इसको छोटी किताब दी, देखो तो वो क्या सोचती है कि इसमें तो बहुत ही छोटी छोटी तस्वीरें हैं, किताब बहुत ही पतली है। देखो अब इसको जब बड़ी किताब दी थी, बड़ी बुक दी थी, तब भी प्रॉब्लम थी कि कितनी बड़ी है, मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, पेजेस बहुत है, बहुत ही लंबी है, बहुत ही मोटी है। अब क्या कह रही है, छोटी बुक दी, यह बहुत ही पतली है, छोटी छोटी तस्वीरें हैं, इससे कुछ नहीं होगा। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुटा लेती आना। फिर क्या कहती है, अब इसकी मौसी थक गई और वो वीरू को बताती है कि तेरे को बुक देना बहुत ही कठिन काम है, मैं तेरे लिए बुक चूज ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि तुझे बड़ी किताब दो तो भी प्रॉब्लम है, छोटी किताब दूँ तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए उसकी मौसी कहती है वीरू को कि जब तुम नेक्स्ट टाइम मेरे घर पर आना, तब क्या लाना, एक फ़ोटो लाना कि तुम्हें कैसी किताब चाहिए, वो एक फ़ोटो लाके मुझे देना। फिर देखो वीरू ने पूछा, फोटो क्यों? फिर वो पूछती है कि फ़ोटो क्यों दूँ मौसी। मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले आना, ठीक है ना। फिर उसकी मौसी कहती है कि फ़ोटो मैं इसलिए तुझसे मंगवा रही हूँ कि तुझे जितनी भी मोटी किताबें चाहिए उसको माप लेकर नाप कर लाना कि कितनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितने पेज होने चाहिए, कितनी बड़ी तस्वीरें होनी चाहिए, वो सब तू डिसाइड कर ले आना और उसका फ़ोटो लाना। मैं तो तेरी बुक अब नहीं चुन सकती, इसकी मौसी अब तक गई। फिर का वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। फिर क्या हुआ, वीरू ने जो उसकी मम्मी थी उसको जो लेटर दिया था, जो पत्र भेजने को कहा था उसकी मौसी को, वो वहाँ टेबल पर रख दिया और भाग कर खड़ी हुई, और वो खड़ी होकर फिर चली गई। वो लेटर दिया था वीरू ने, सॉरी वीरू ने मम्मी ने जो लेटर दिया था वीरू को अपनी बहन के लिए, यानी कि वीरू की मौसी को देने के लिए, वो उसने टेबल पर रखा और चली गई और ऐसे भागकर खड़ी हो गई। देखो तो यहाँ ये तो कहानी कंप्लीट हो गई। वीरू तो पत्र लेटर मेज पर छोड़कर, यानी कि टेबल पर छोड़कर चली गई वहाँ से, और उसको कोई किताब अच्छी भी नहीं लगी क्योंकि उसको किताब में इंटरेस्ट ही नहीं था।
हमें ये क्वेश्चन होता है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कीप इन टच विथ बुक, हमें कोई भी बुक है वो पढ़नी चाहिए, बहुत छोटी सी स्टोरी ही क्यों ना हो वो भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताब में से बुक्स में से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। देखो ये वीरू को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए उसको सब किताब से प्रॉब्लम था, लेकिन किताब है वो हमें पढ़नी चाहिए, हमें बहुत ही नॉलेज मिलती है, कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती है। तो यहाँ इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है, कहानी बहुत ही ईजी है, दो या तीन बार रीड करना कहानी समझ में आ जाएगी। सो आपको भी इस कहानी को दो या तीन बार रीड करना है। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।